तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और आपका स्वागत है टी वाई जी सॉफ्टवेयर गुरु के बिल्कुल फ्रेश न्यू कमाल के सभी शोट के अंदर। एंड दोस्तों, आज वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी के दो फोन्स के बारे में। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के 6 प्रो और रियलमी 7 प्रो के बारे में। आप सबको पता होगा कि फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है रियलमी 7 और रियलमी 7 प्रो। अब दोस्तों, लोगों के बारे में काफ़ी सारे सवाल है कि ये कौन सा फ़ोन बेस्ट है, रियलमी का 6 प्रो या फिर रियलमी 7 प्रो। तो दोस्तों, आज वीडियो हम बात करेंगे इन दोनों फोन्स के बारे में, जानेंगे दोनों फोन की स्पेसिफिकेशन और करेंगे डिटेल कंपेयर इन दोनों फोन के बीच में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसा कंटेंट देखने मिलता रहे हमेशा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इन दोनों फोन के डिस्प्ले साइज के साथ। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो बता दूं आपको, दोनों ही फोन में मिलता है 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले, जो कि आपका बेस है 399 PPI पर दोनों ही फोन में आपको अलग अलग पैनल मिलता है, जहां पे आपको Realme के 6 Pro में मिलता है IPS LCD पैनल, जो कि आपका 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। वहीं आपको Realme 7 Pro में मिलता है एक सुपर AMOLED पैनल, जो कि आपका 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले वाइज नो डाउट कि जो Realme 7 Pro का डिस्प्ले, वो आपका Realme 6 Pro से बेटर है, क्योंकि मैं पहले भी आपसे अगर बता चुका हूँ कि अगर आपको कोई बंदा अगर दो में से एक डिस्प्ले दे, लाइक अगर आपको IPS LCD 120 हर्ट्ज मिले और आपको सुपर AMOLED में 60 हर्ट्ज, तो ऑफकोर्स सुपर AMOLED 60 हर्ट्ज ज़्यादा प्यारी लगती है और ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। एंड दोस्तों भाई, अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए तो आपको भैया Realme 7 Pro को ही लेना चाहिए। एंड दोस्तों, बात करें दोनों फोन के प्राइस के बारे में, तो बता दूँ यहाँ पे आपके Realme 6 का प्रो का प्राइस है करीबन 18,000 रुपये, जिसमें आपको कंपनी देती है 6 GB RAM और साथ ही 64 GB की इंटरनल मेमोरी। वहीं दोस्तों, आपका जो Realme 7 Pro का प्राइस है वो दोस्तों करीबन 20,000 रुपये, जिसमें आपको मिलती है 6 GB RAM और 128 GB के इंटरनल मेमोरी। प्राइस वाइज देखते हो तो जो दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगह काफ़ी कमाल की, क्योंकि अगर आप एक फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा रुपये लगाते हो तो आपको उसकी मेमोरी भी ज़्यादा मिल जाती है। बात करें अगर हम इन दोनों फ़ोन के कैमरे के बारे में, तो बता दूँ जहाँ आपको Realme के 6 प्रो में मिलते हैं 64+8+12+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, साथ ही में एक LED फ्लैश। वहीं आपको Realme 7 प्रो में मिलता है 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, साथ ही में एक LED फ्लैश। बात करें फ्रंट कैमरे के बारे में, तो बता दूं फ्रंट में आपको जहां Realme 6 प्रो में मिलता है 60+8 मेगापिक्सल के डुअल पंच होल डिस्प्ले कैमरा, वहीं आपको Realme 7 प्रो में मिलते हैं 32 मेगापिक्सल के पंच होल डिस्प्ले में सिंगल कैमरा। कैमरा वाइज जो आपका दोनों ही फोन है वो काफ़ी कमाल के। एंड दोस्तों, कुछ बातें वीडियो के एंड में करेंगे, तो ऑफकोर्स आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड दोस्तों, बात करें हम इन दोनों फोन के बैटरी बैकअप के बारे में, तो बता दूं जहां पे आपको Realme 6 Pro में मिलता है 4300 mAh का बैटरी बैकअप, वहीं आपको Realme 7 Pro में मिलता है 4500 mAh का बैटरी बैकअप। और जो आपका Realme 6 Pro है वो दोस्तों सपोर्ट करता है आपकी 30W की फास्ट चार्जिंग को, लेकिन जबकि आपका जो Realme 7 Pro है वो दोस्तों सपोर्ट करता है आपकी 65W की सुपर डार्ट चार्जिंग को। एंड कंपनी का दावा है कि आपका जो फोन है वो 34 मिनट में गाइस फुल चार्ज हो जाएगा। बात करें दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो बता दूं दोनों ही फोन में आपको स्नैपड्रैगन के 720G वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपका बेस है ऑक्टा कोर की बार। अब सीधे सीधे सवाल आता है भैया, इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। एंड दोस्तों, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जाते हो तो बता दूं, जो आपका Realme 7 Pro है वो एज अ मच बेटर है Realme 6 Pro के कॉम्पिटिशन में, क्योंकि जो Realme 7 Pro है उनका प्रोसेसर तो सेम है, लेकिन जो डिस्प्ले वो ऑफकोर्स आपकी Realme 7 Pro की ज़्यादा अच्छी है। साथ ही आपको पता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी होगी या फिर जो सॉफ्टवेयर होगा वो Realme 7 Pro का ज़्यादा अपग्रेड होगा Realme 6 Pro के मुकाबले में। सो गाइस, अगर आप 18,000 रुपये खर्च कर रहे हो Realme 6 Pro के ऊपर, तो ऑफकोर्स आपको 2,000 रुपये और लगा के आपको Realme 7 Pro लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सुपर AMOLED पैनल मिल जाता है, साथ ही आपको जो उसकी इंटरनल मेमोरी वो भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। एंड साथ ही वो आपकी 65W की डार्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। एंड मेरा सीधा जवाब होगा कि भैया आपको Realme 7 Pro को लेना चाहिए Realme 6 Pro की जगह। सो आपको क्या क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना, साथ ही मेरी जो अगर और कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। एंड चैनल पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसा कॉन्टेंट देखने मिलता रहे हमें।